गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी के अंदर क्या कोई कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट है और इनकम टैक्स के अंदर कैश ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट है, कितना अमाउंट तक आप कैश रिसीव कर सकते हैं, 2 लाख का जो अमाउंट है उसका क्या है पूरी कंडीशन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी या इनकम टैक्स से रिलेटेड कैश ट्रांजैक्शंस का हर एक इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, कैश ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट है इसके बारे में काफी लोगों का सवाल जो है बार बार पूछा जा रहा है कि 2 लाख से ऊपर का कैश का बिल बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, जीएसटी के अंदर क्या नियम दिए गए हैं। तो इसके पहले आपको ये समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स का सेक्शन 269 कैपिटल एस कैपिटल टी 269 ST क्या बात करता है। वो ये कहता है, नो पर्सन शैल रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹2 लाख और मोर, मतलब किसी भी पर्सन को अलाउड नहीं है 2 लाख या उससे ऊपर का अमाउंट रिसीव करना। किस किस कंडीशंस में? कंडीशन नंबर 1, इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, मतलब टोटल अमाउंट 2 लाख या उससे ऊपर इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे। यहाँ पे 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है, एग्रीगेट में चेक करना है, एक पर्सन से चेक करना है, एक दिन में चेक करना है, या फिर और है यहाँ पर कंडीशन, जो भी ट्रांजैक्शंस को आप इंस्पेक्ट करेंगे, जिस भी ट्रांजैक्शंस को आप देखेंगे, तीनों कंडीशन आपको चेक करनी होगी। अगर 3 कंडीशंस के अंदर कहीं पर भी आप फॉल कर रहे हैं 269 ST लागू हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। पहला हो गया इन एग्रीगेट फ्रॉम अ पर्सन इन अ डे, दूसरा है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन, अगर आप 2 लाख या उससे ऊपर का अमाउंट रिसीव करते हैं एक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में, एक ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में अगर आप रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो आप डिफरेंट डिफरेंट डेट्स के अंदर भी लेते हैं तो भी आपका जो है 269 ST लागू हो जाएगा। तीसरा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू वन इवेंट और एन ओकेजन फ्रॉम अ पर्सन, अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन किससे जुड़ा हुआ है, या तो वो किसी इवेंट से या किसी ओकेजन से जुड़ा हुआ है एक पर्सन के इवेंट या ओकेजन के साथ, तो ये 3 कंडीशंस अगर आपने फुलफिल कर दी हैं तो आप 2 लाख से ऊपर का अमाउंट अगर रिसीव कर लेते हैं तो 269 ST का जो है प्रोविजंस लागू हो जाएगा। 269 ST का प्रोविजंस जो है वो लागू होता है रिसीवर पे, पेमेंट करने वालों को इस 269 ST से लेना देना नहीं है, लेकिन 40A3 जहां पे पेमेंट ₹10,000 से ऊपर का अलाउड नहीं है उसके अंदर आएंगे, वो अलग चीज है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं रिसीविंग एंड के लिए। तो रिसीवर को 2 लाख या उससे ऊपर का अमाउंट रिसीव नहीं करना है इन 3 सिचुएशंस के अंदर। अगला जो चीज है नॉट एप्लीकेबल फॉर, ये कंडीशंस कब लागू नहीं होती है, ये प्रोविजंस कब लागू नहीं होंगे, ये तब लागू नहीं होंगे जब 2 लाख या उससे ऊपर का अमाउंट रिसीव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट रिसीट्स के लिए ये प्रोविजंस लागू नहीं होंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं होगा, या फिर बैंकिंग है या फिर कोई पोस्ट ऑफिस है जो कि रिसीव कर रही है 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट, तो उसके ऊपर भी ये प्रोविजंस लागू नहीं होगा। अब सवाल आता है कि अगर हमने 2 लाख रुपए से ऊपर का रिसीविंग कर भी लिया तो क्या हो जाएगा, क्या जीएसटी के अंदर कोई पेनल्टी लगेगी, क्या जीएसटी के अंदर हम लोगों का जो इनवॉइसेस है उससे कोई लेना देना है? जी नहीं, जीएसटी के अंदर कोई भी लेना देना नहीं है आपको इनवॉइसेस बनाने से रिलेटेड, कि आप 2 लाख रुपए से ऊपर का इनवॉइस बना सकते हैं या नहीं, आप जितनी मर्जी का इनवॉइस बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कैश रिसीविंग नहीं कर सकते एज पर इनकम टैक्स एक्ट। जीएसटी के अंदर इनवॉइस बनाने से रिलेटेड आपको अगर कोई भी परेशानी है या उसकी रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप क्लियर टैक्स का टूल यूज कर सकते हैं, जिसका साइन अप लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें आप जीएसटी की इनवॉइस के साथ साथ ऑटोमेटिक रिटर्न प्रिपरेशन का जो टूल है उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जीएसटी इनवॉइसेस रूल के अंदर कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि 2 लाख रुपए से ऊपर का इनवॉइस जो है वो नहीं बनाया जा सकता एक समय में, बिल्कुल बनाया जा सकता है, पेमेंट आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते, आप इनकम टैक्स के अंदर फंस सकते हैं। क्या होगा अगर आप ऐसा काम करते हैं, पेनल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रिसीप्ट,
अगर आप इस चीज का डिफॉल्ट करते हैं, इस प्रोविजन को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। पेनल्टी अमाउंट कितना होगा? जितने अमाउंट का आप रिसीव करेंगे, 2 लाख से ऊपर का जितना भी अमाउंट रिसीव करते हैं, पूरे अमाउंट का आपको पेनल्टी लगेगा। 100% अमाउंट जो है आपको पेमेंट करना पड़ सकता है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि पेनल्टी जो है अमाउंट रिसीव के बराबर होने वाली है। अब आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर और समझते हैं कि जो 3 कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कस किया था, इन एग्रीगेट, इन अ सिंगल डे, फ्रॉम अ पर्सन, और इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन, और इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शंस फॉर एन इवेंट और ओकेजन इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल पर्सन। सबसे पहला है, इफ मिस्टर कृष्णा बाइज द गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम मिस्टर नंदू एंड पेज ₹2 लाख इन 5 इंस्टॉलमेंट्स इन अ सिंगल डे टू द नंदू। कृष्णा कोई बंदा है जो कि 2 लाख रुपए से ऊपर का माल खरीद रहा है नंदू से, 2 लाख या उससे ऊपर का माल खरीद रहा है, और उसका पेमेंट जो है वो करता है 5 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 40,000 रुपए करके वो पेमेंट कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 269 एसटी क्या कहता है। सेक्शन 269 एसटी कहता है कि वो नंदू पे एप्लीकेबल हो जाएगा क्योंकि उसने रिसीव कर लिया है 2 लाख रुपए का अमाउंट, और वो उसने रिसीव करा है एक पर्सन से एक दिन में, चाहे उसने 5 इंस्टॉलमेंट में लिए हों, लेकिन उसने एक दिन और एक ही पर्सन से एग्रीगेट करने के बाद 2 लाख रुपए का अमाउंट जो है कैश में रिसीव कर लिया है। तो पहला कंडीशन जो था एग्रीगेट इन अ डे फ्रॉम अ सिंगल पर्सन, उसमें ये हिट हो जाएगा और उसको 269 एसटी जो है लागू हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है कि अगर हम लोग 2 लाख रुपए का माल खरीदते हैं और 5 इंस्टॉलमेंट में लेते हैं अलग अलग दिन में, तो क्या होगा। इफ मिस्टर कृष्णा बाइज गुड्स वर्थ ₹2 लाख फ्रॉम मिस्टर नंदू एंड पेज ₹2 लाख इन 5 इंस्टॉलमेंट इन डिफरेंट डेट्स, 2 लाख रुपए का माल खरीदता है, 5 इंस्टॉलमेंट में वो पेमेंट रिसीव करता है, और 5 इंस्टॉलमेंट एक दिन में ना करके अलग अलग डेट्स पे वो कर रहा है। तो अब आप देखेंगे तो दूसरा कंडीशन तो था वो था इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शन एक है, इनवॉइस बना रखा है आपने 2 लाख रुपए का, उससे रिलेटेड अगर आप पेमेंट कैश में रिसीव कर रहे हैं, चाहे आप अलग अलग डेट में भी करते हो, तो भी आपको 269 एसटी के अंदर लायबल किया जा सकता है। सेक्शन 269 एसटी एप्लीकेबल ऑन मिस्टर नंदू रिसीव्ड 2 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ सिंगल ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शन एक ही है, इनवॉइस एक बना हुआ है 2 लाख रुपए का, अब चाहे वो एक दिन के अंदर अलग अलग इंस्टॉलमेंट में ले, या फिर एक डेट के अलावा भी आप मल्टीपल डेट्स के अंदर मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं, तब भी आपके ऊपर 269 एसटी का जो प्रोविजंस है वो लागू हो जाएगा। तीसरा कंडीशन है इवेंट और ओकेजन से रिलेटेड। ये कहता है इफ मिस्टर कृष्णा रिसीव्ड इन हिज मैरिज ओकेजन कैश गिफ्ट अमाउंटिंग टू ₹3 लाख, अगर उसकी शादी है और वो शादी में 3 लाख रुपए का। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी के अंदर क्या कोई कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट है, और इनकम टैक्स के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट है, कितना अमाउंट तक आप कैश रिसीव कर सकते हैं, 2 लाख का जो अमाउंट है उसका क्या है, कैश गिफ्ट रिसीव किया है वो 2 लाख या उससे ऊपर है, एक इवेंट या ओकेजन से रिलेटेड। तो ये 3 कंडीशंस जो हैं आपको ध्यान में रखनी बेहद जरूरी है। अगर आप अपनी जीएसटी की फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको रिसीविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर आपको पेनल्टी जो है वो लग सकती है। अगला जो पॉइंट है इसके अंदर, दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल ऑन रिसीवर एंड नॉट द पेयर। ये जो प्रोविजंस हैं ये रिसीवर को लगेंगे ना कि पेयर को। पेमेंट करने वाले को 269 एसटी नहीं लगता, रिसीवर को लगता है 269 एसटी, पेयर को लगेगा 40A(3) जो वहां पर बात करता है कि 10,000 से ऊपर का पेमेंट नहीं कर सकते, वो अलग मैटर है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट है नो इम्पैक्ट ऑन जीएसटी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जीएसटी एक्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन रिसीविंग एनी अमाउंट ऑफ कैश फॉर द सेल्स। सेल्स करने के लिए आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने मर्जी का इनवॉइस बना ले, कैश रिसीव करना है नहीं करना वो आपको 269 एसटी इनकम टैक्स के हवाले से देखना होगा। और यहाँ पे 2-3 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि आप अकाउंट पे चेक या फिर अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से ही पेमेंट लें। अगर आप बियरर चेक लेंगे तो वो इक्विवेलेंट टू कैश विड्रॉल माना जाएगा, इक्विवेलेंट टू कैश ट्रांजेक्शन माना जाएगा, और उसके ऊपर भी 269 एसटी जो है
वो लग जाएगा, इसीलिए बेरर चेक का भी ट्रांजेक्शन जो है 269(s)(2) के अंदर ही कवर होता है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना अब बेहद जरूरी है। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं, आपको इसका पोस्ट भी पढ़ने को मिल जाएगा, उसके अंदर सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से दिख जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जिनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कैश ट्रांजैक्शंस की क्या लिमिट है, कितना ले सकते हैं कितना नहीं ले सकते, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।